मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से जुड़े तमाम वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में हैं। देश विदेश से बुलाए गए मेहमान, जिनमें ज़्यादातर अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज लोग हैं, कई हफ्तों चली इस शादी समारोह में पहुंचे। समारोह के कई वीडियोस रील्स की शक्ल में वायरल हो रहे हैं। ऐसी ही रील में एक बूढ़ी महिला बतौर मेहमान दिखाई देती हैं, जिन्हें देखते ही सिर्फ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ही झुककर महिला के पांव नहीं छूते, बल्कि मुकेश अंबानी की बेटी और उनके दामाद भी इन महिला के सम्मान में पांव छूते दिखाई देते हैं। अब सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि बहुत ही सामान्य से दिखाई दे रही ये महिला कौन है जिनका अंबानी परिवार में ऐसा रुतबा है। मैसूर कैफे ओनर राधिका, मैसूर कैफे ओनर, मैसूर कैफे ओनर, वी ईट योर फूड एट आवर हाउस, थैंक यू सो मच, ओनली बिकॉज़ ऑफ यू वी Thank you so much. इस वायरल वीडियो क्लिप में अगर आप ध्यान से सुने तो अनंत अंबानी का ऑडियो भी सुनाई देगा। इसमें अनंत को जैसे ही पता चलता है कि महिला मैसूर कैफे की मालकिन है, वो राधिका मर्चेंट को बुलाकर मिलवाते हैं। वीडियोज में दिखाई दे रही महिला है मुंबई के सबसे पुराने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मैसूर कैफे की मालकिन शांतेरी नायक। यही रेस्तरा शांतेरी नायक की पहचान है। अब सवाल यह है कि मुकेश अंबानी के बेटे, उनकी बेटी और उनकी बहुएं एक रेस्तरां के मालकिन के पांव छूकर इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। वीडियो में सुनाई देता है जब अनंत अंबानी को मालूम चलता है कि उनके मेहमानों में मैसूर कैफे की मालकिन भी हैं, तो अनंत राधिका को बुलाते हैं और बहुत जोश में परिचय करवाते हैं। राधिका जैसे ही मैसूर कैफे का नाम सुनती हैं, वो इस रेस्तरां की मालकिन के पांव छूते हुए कहती हैं कि हर रविवार हम अपने घर में आपके यहाँ का खाना खाते हैं। असल में यही वजह है कि नायक को अंबानी परिवार से इतना सम्मान मिला। मैसूर कैफे मुंबई का सबसे पुराना साउथ इंडियन रेस्तरां है। करीब 90 साल पुराने मैसूर कैफे ने देश को आज़ाद होते हुए देखा है। ये रेस्तरां इतना पुराना है कि महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक इस ऐतिहासिक जगह पर खाना खा चुके हैं। हालांकि मैसूर कैफे का अनोखा स्वाद सिर्फ अनंत और राधिका को ही नहीं भाता, इस स्वाद की अंबानी परिवार में पुरानी धौंस है। मुकेश अंबानी ने अब तक गिने चुने इंटरव्यू ही दिए हैं, इंडिया टुडे टीवी को दिए। एक इंटरव्यू में जब मुकेश अंबानी से पूछा गया कि उनका फेवरेट खाना क्या है, तो उन्होंने कहा था, मेरा फेवरेट फूड है इडली सांभर मुंबई के मैसूर कैफे का। उन्होंने ये भी कहा था कि साल 1974 में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्होंने मैसूर कैफे में खाना शुरू किया और अब तक उनकी पहली पसंद मुंबई का मैसूर कैफे ही है। जैसे ही अनंत अंबानी की शादी में मैसूर कैफे की मालकिन शांतेरी नायक के पांव छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम न्यूज़ चैनलों ने उनसे बात करने की कोशिश की। इंडियन एक्सप्रेस से हुई एक बातचीत में शांतेरी नायक ने कहा, मुझे वायरल वीडियो की कोई खबर नहीं, मैं तो बस खाने के बाद एक बार अनंत और राधिका को बधाई देना चाहती थी, लेकिन स्टेज तक जाने के लिए बहुत लंबी कतार थी। जैसे ही अनंत और राधिका को पता चला कि मैं मिलना चाहती हूँ, वो सब लोग खुद मेरे पास आए और पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पूरे परिवार ने मुझे बहुत प्रेम और सम्मान दिया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। शांतेरी नायक के बेटे नरेश नागेश नायक ने इसी बातचीत में बताया, जिस तरह का सम्मान अंबानी परिवार ने मेरी माँ को दिया, उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वाकई में भावुक कर देने वाला क्षण था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आपने भी कभी मैसूर कैफे का स्वाद चखा है? हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।